की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। दो दिन हो अभी तक आया था, माँ की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। समझ को बोल रही हजरत गुस्सा कर लेती उनकर बोल रही माँ की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। कौवे तो नहीं हो के वो मरहूम
हमारे मदारिस में भी यही होता है, जब हम पढ़ते और पढ़ाते मुश्किल लाइन को बार बार पढ़ते, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसको समझा देते हैं। उन्वान बड़ा ही जरूरी उन्वान है और इस उन्वान के तहत में मैं समझता हूं चंद राय पटन के तमाम मुसलमान इस वक्त मेरे सामने होना था। कम से कम मेरे हाल इस दौर में इतने लोग भी अगर किसी दीन की फिक्र के साथ जमा होते हैं तो मैं समझता हूं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है। इसलिए कि दीन से दूरी का ये हाल हुआ है हमारा, चाहे चंदाय पटन हो या पूरी रियासत कर्नाटक हो या पूरा हिंदुस्तान हो, दीन से दूरी का यह हाल हुआ है। मस्जिदों को आना, बयान सुनना, एक घंटा डेढ़ घंटा अल्लाह के इस अजीम घर में बैठना, इस वक्त के तकरीबन 95% मुसलमानों के लिए डायरेक्ट आग में बैठने के बराबर है। किसमें आग? मालूम? अरे मालूम किसे बोलते? दूसरों के घरों में हमें लगाते हुए को उससे आग बोलते। आग किसे बोलते? ये टाइम से हटा दे लो, मैं निकल दे मैं जमीन गिर कांदा लो नीचे बात खुद मीनार खड़े से कर जाए। एक कुत्ते मीनार आग किसे बोलते? दूसरों के घरों में जो हमें लगाते नहीं। हमारे बेंगलुरु में जुमला है, दो जना को लड़ा को छोड़ने को एक मिसाल बोलते लगा दला देख रहे आग अंगार लगाया देख रहे मिसाल मुहावरा। जुड़े हुए लोगों को तोड़ना हमारे लिए इस वक्त बहुत आसान काम है, जबकि मालूम हो जाना चाहिए टूटे हुए लोगों को जोड़ना अल्लाह की नजदीक सबसे बड़ी इबादत है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो तभी सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो इन्ना लिल्लाह बोलो। मैं आधे घंटे में बयान खत्म करके चले जाता। जुड़े हुए लोगों को तोड़ना इस वक्त हमारा सबसे बेहतरीन मशगला है, जबकि चल रहा है पटन के मुसलमानों ये आजिज की बात जहां तक जाती है वो गौर से सुने, दो टूटे हुए लोगों को जोड़ना अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी बात। झूठ बोलना जायज है? अच्छा आप लोगों को झूठ बोलना आता है? नहीं आता? आता नहीं आता बोलते तो एक बात बोलता था, नहीं आता तो फिर मोदी जी से सिंचाई। मेरे आता
सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गुलाम जो चाहे गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। मुझे साहब एक आकर पूछे थे, एक मौलाना के बयान में ये हदीस सुने, क्योंकि वो बहुत बड़े मौलाना थे, हिंदुस्तान के बड़े उलमा में से, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, बहुत बड़े मौलाना थे, हिंदुस्तान के सबसे अव्वल के उलमा में से थे, अकाबिर में से थे, उन्होंने ये रिवायत बयान की। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान मेरे पास आया, आकर कहने लगा, एक सवाल किया, हजरत क्या ये हदीस है? मैंने कहा कि है हदीस। कैसा हजरत ये? क्योंकि इस्लाम और ईमान और आमाल और अकाइद और शरीयत पर एतराज अगर आज किसी को होता है, दुश्मनों से ज्यादा अंदर के पढ़े लिखे लोगों को होता है। बड़े अहम बात बता रहा हूं, तवज्जो से सुने। दुश्मन दुश्मन, चाहे वो अमेरिका में हो, इसराइल में हो, जापान में हो, चाइना में हो, हमारे मुल्क में हो, दुश्मन की निगाहों में हमारा खराब काम खराब, क्या हमारा अच्छा काम भी खराब नजर आता है और हमारे काम उसे खराब नजर आना, यही तो दुश्मनी है। अगर अच्छे नजर आते तो उन्हें भी हमारा दोष होता। समझ में आ रही है बात? अरे क्या बात, अरे मुंडी तुम्हें हल है बाबा, समझे बगैर भाई भाई सला रही है, हमें समझ को की नहीं हलाना। खाली उन्वान क्या है समझाने के लिए बात कर रहा हूं। लोगों बोलते मौलाना शुरू करते काकी डाटी काकी को बोलते नाना को नवासा खांसना सिखाया करते। जवानी में कदम रखते ही तकरीर के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें उतर के अपना तकरीर सिखाते ही बोले तो हमें तुमने क्या सिखाना। फकर में इजहार, तकबूर कभी करियाज नहीं दोस्त में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं महलों का कारों का एसियों का आदमी नहीं, मालदारों का लीडरों का जिम्मेदारों का आदमी नहीं, मैं गरीबों का माहौल का, मेरा काम मैं खुद करता हूं और साथ की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं फखर तकबूर नहीं करता, बस मिली वालों में जा तो नहीं मिली तो लाल डब्बे में जा। और तुम्हें इसमें नहीं बोला बस मिटना बा यहाँ जगह से मैं आया क्या? बाजार में कोतिमीर पुदीना पंडू प्याज लेने को खड़े को भाई बोला क्या बात, थिएटर को आया क्या भाई? मेरे घर को माइक लेना नहीं था, हमेशा पहुंचा था। मेरे आका अपना काम आप खुद करते थे, जिसके पास 1,40,000 पर 4,000 सहाबा काम करने के नहीं थे, जान फिदा करने के थे। जान फिदा करने वाले 1,44,000 सहाबा जिनके सामने 24 घंटे अपनी नंगी गर्दन लेकर खड़े रहते थे, बावजूद इसके प्यारे आका अपना काम आप खुद करते थे। जर्रा बढ़ गया तो ये भूकू बाजार को जाता नहीं समझते, पानी उठाता नहीं कहते, ढाने लगाता, पुट्टी पकड़ता नहीं कहते, शर्म आती कहते, फिर पैंट पहन को कहीं को शर्म नहीं।
शर्म किसे आना सो इसे इजार नहीं प्यार नहीं तू दे कहीं को शर्म आती पेन को है ना पहला पैगाम देता हूं चंद्राय पटन के नौजवानों कुफर का तकबुर से आजिजी का इमाम से ऐसा जबरदस्त जोड़ है जैसे सूरज का उजाले से उजाले का सूरज से जोड़ है। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं कभी तकबुर न करना मैं पना कभी नहीं रहना आना नहीं रहना। अगर किसी बात में लफ्ज अना मैं बोलना पड़े तो फौरन अल्हम्दुलिल्लाह बोल देना शैतान जलील होकर चला जाता है। मैं कया से अल्हम्दुलिल्लाह आखा भी बोले मैं बोलकर फौरन वाला फख्र कहा अरे सैयद उल्दी आदम वाला फख्र خطیب یوم الخیامہ ولا فخر انا امام الانبیاء ولا فخر نہیں بولا بول کر نہیں ہے بول سکتے میں کریا سو میں اٹھایا سو میں لایا سو میں بنیا سو بول سکتے ہیں فخر کے طور پر نہیں اظہار کے طور پر اب بولنے کی جگہ بولنا چنا कौन भाई ने मजा कर रहे योगी कई को रहे योगी ये फकर नहीं वाला बोल को बोल जाते ईमाना तकबुर का कुफर से आजिजी का ईमान के साथ ऐसा जबरदस्त रिश्ता है जैसे सूरज का उजाले से उजाले का सूरज से। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करते बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तकब्बुर करने वाला खतरा है कि कुफ्र के घाट गिर जाए। कहां से बात उठी तरतीब लेकर आओ। ईमान से बात उठी मस्जिद से बात आई आग पर बात गई फिर एतराज का जवाब देते देते यहां आया। और मैं बता दूं आपको एक बात कि मैं अल्लाह का नाम लेकर बैठता हूं खास जलसे के लिए मुताला नहीं करता मैं मुताले ही में रहता हूं। बैठते वक्त मैं खुदा के पास भीख मांग कर बैठता हूँ जरूरत क्या है जहन में दे बोल कर उतर जाता हूँ। बयान के लिए बोलकर मेरे पास मुताला नहीं करता मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाकर क्या बयान करना है। अभी आपको बैठे बैठे पूछा क्या बोलना बोल तराज क्यों करते जरूरत अच्छी बात निकली तो ले लो इधर जाते ही मौली साहब उधर जाते ही मौली साहब पूरी दुनिया मोदी फिरे कब तभी बोले तकरीर में दो जगह जाकर आ गए तो इधर जाते उधर जाते। तकबुर कभी नहीं करते बोले इंशाल्लाह नहीं। बचपन में आप लोग एक जुमला सुने हैं आजीजी अल्लाह राजी। आजीजी अल्लाह राजी। माँ बाप के सामने झुक कर रहो बड़े भाइयों के सामने झुक कर रहो बड़ी बहनों के सामने झुक कर रहो ससुराल का घर मानू मामा मामा सास के घर को गया तो ऐसा अकड़ता तीन दिन का मुर्दा जवाई का देते जवाई जवाई का तो क्या दुम है। रिश्ते का नाम रे बाबा जवाई लेकिन
क्या बोलकर बेटा खुदा बनाया सो रिश्ते से बना सो बेटा तू माँ बाप के सामने जैसे रहते हैं सास के घर में भी वैसे ही रहो। खुदा की कसम खुदा की कसम खुदा की कसम जिस नौजवान को सास ससरे की दुआ लग जाती है वो दुनिया में कभी परेशान नहीं होता। अपने घर में माँ बाप की दुआ लो, ससुराल में सास ससरे की दुआ लो, मुंह भर कर पुकारो बाबा को ससरे को अब्बा। क्या क्या पुकारते अब्बा पप्पा डैडी ससरे को सच्ची यहाँ पुकारती तो बोले तो बोलो यहाँ के नौजवानों को रिश्ता बिंदुल में लगा। शादी से पहले अब्बा, रिश्ता हो जाने के बाद शादी से पहले अब्बा, शादी के बाद जर्रा पूछता 1-2 लाख रुपए खर्च दे बोलो हमारे अब्बा को मैं बराबर 30 पर 2 तारीख को दिया। वो 30 पर 2 तारीख आते नहीं देता नहीं, 30 पर 2 बोलकर इन्हें बीवी सुनती ना जल्दी में समझती नहीं लेकिन ससरा समझ जाता। अब आज ने इशारा दे दिया है नहीं देने का बोलकर तो ससरा बोलता तेरी शादी को लिया सो खरस अब तक काफी प्यारी मां इंशाल्लाह आया तो दे तू मेरा क्या है सच हमारा चिन्ह। डर को ससरा जवाब देता है इन्हें जाकर बोलती है अब्बा के पास नहीं करते जी कहीं पूछ को तेरा बाबा दिया नहीं। अब अब्बा से कहाँ आया बाबा तक का। फिर जरे दिन के बाद वो ससरा वहां जाता दोस्त बोलते जा रहा देखा बेटा है ना सबको आती इसे नहीं आती देखो मौत पत्थर से पानी निकलना इसके पास से पैसा निकलना तो मैं कुछ को दिया नहीं। हंसने हंसाने की बात नहीं ऐसे नौजवान हजारों हमारे माशरे में हैं, हजारों हमारे माशरे में हैं। ये हजरत उलमा बैठे हुए हैं जिम्मेदार बैठे हुए हैं यूट्यूब में तकरीरें भरी पड़ी हैं जो जोश में आकर कहते हैं बेटियों की शादी करने से पहले उनको नसीहत करके शादी करो। लेकिन कहीं आपने सुना नहीं कि बेटे की शादी करने से पहले भी बेटा भी नसीहत का मोहताज है, बेटा भी नसीहत का मोहताज है। बेटी को यह सिखाना कि सास के घर में जाकर बेटी बनकर रहना, बेटे को यह सिखाना कि कभी कभी सास के घर को गया तो फिर तुझे देखकर तेरे सास ससरे हमना दुआ देना ऐसा हमना करके। मेरे वाली मुझे नसीहत करे मुझे भी शादी हुई बाप वाली बताए क्या तुम ही रहोगे तो रह जाओ बेटे कौन सा बात बोलता आज। एक 2 दिन के बाद भेज दूंगा तो छोड़कर आओ बेटे बीवी को आज है नसीहत करने वाला। खाली हाथ कभी भी सास के घर को जाओ ना अल्लाह के घर में बैठ कर बोल रहा हूं मैं। खाली हाथ कभी सास के घर को जाओ ना को बेटे तुम्हें कैसे वास्ते का तुम्हें परेशान होकर सौदा लाने वाला घर में कौन तुम्हें नहीं रहा तुम्हें जाकर लेकर आओ बेटे। और हमें अमल करे नहीं घर में लाने वाला कौन भी नहीं रहा तो सास तू भी बुढ़का ओढ़ने को जाना मुरली लेको आना कौन भी नहीं अचानक चलेगा पप्पड़ दल को रख डाली सास से इन्हें पप्पड़ बन जाता।
मैं बताऊंगा मेरे बातों का नतीजा बताऊंगा, मैं इधर उधर नहीं घूम रहा हूं। ये सब अमल आने की वजह क्या बता रहा हूं मैं आपको। अच्छे बनो नौजवानों, मिसाली नौजवान बनो। तुम्हारे सास के घर के अंदर तुम्हारा हाल ऐसे होना चाहिए जैसे नबी के घर में अली का हाल था। दिल लगी मजाक करो जाए इस तरीके से। अच्छे बनो, प्यारे बनो, अल्लाह को राजी करो, हालात बदलेंगे। आज कितने जबरदस्त तूफान में है हम, आपको नहीं मालूम। वो तूफान नहीं जो समंदरों के साहिलों में आता है, एक अजीब से तूफान के अंदर है हम, जहां हमारी हर चीज बहती और डूबती जा रही है, आपको नजर नहीं आ रहा है और आपको एहसास नहीं है। जबरदस्त जलजलों का शिकार है हम, सैलाब पे सैलाब आ रहे। ये दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल की सजा है। दुश्मनों की ताकत नहीं, पूरा कुरान उठाकर देखो, कहीं दुश्मन की ताकत का जिक्र है क्या? लाखों हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह है, उठाकर देखो कहीं दुश्मन की ताकत का तस्करा है। ताकत का अगर तस्करा है वो हमारा, बर्बादी का तस्करा है वो हमारा, और उसके वजह की बात है वो भी हमारी। कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदी नास, जमीन में आसमानों में हालात अगर बिगड़ते हैं तो ये दुश्मन की ताकत नहीं, तुम्हारे आमाल के नतीजे हैं। बदलो बदलो, अच्छे बनो। मुझे साफ साफ कहने दो, आजकल तो ये दुपट्टे और ये टोपियां सिवाय धोती के और कुछ नहीं, सबके नहीं है ना। आप लोग गर्म हो जा रहे हैं, आप लोग आज लोगों की ये दाढ़ियां सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। बाज लोगों के सजदों के ये निशान सिवाय दिखावा धोखा फरेब के कुछ नहीं है। अखलाक का एतबार टोपियों से नहीं होगा, अखलाक का एतबार दुपट्टों से नहीं होगा, अखलाक का एतबार सजदों के निशान से नहीं होगा। अखलाक का एतबार हमारे आमाल से होगा, हमारे रिश्तेदारों की शहादत और गवाही से होगा। कितने नौजवान ऐसे हैं जो मौलाना के साथ मौलाना के साथ मौलाना के साथ जूते उठाते, तलवे चाटते, क्या क्या करते, वाह 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 वाह, कितने प्यारे, क्या अदब, क्या अखलाक, क्या तमीज, क्या तहजीब। कहां? हमारे सामने। कहां? बाहर से आने वाले उलमा के सामने। कहां? औलिया की मजलिसों में। कहां? जलसों में। लेकिन उन्हीं का बैकग्राउंड उनके घर वालों में जाकर पूछो तो बीवी उसके मौत का इंतजार कर रही है। बच्चे बाप के मौत का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बाप के रहने से नारे का बेहतर है, ऐसे शहर के साये से महरूम होने बेहतर है। अच्छे बनो, अच्छे अच्छे बनकर अपनी जगह पर बैठो। हमारी मदद के लिए खुदा फरिश्तों को उतारेंगे, अंदर से भी अच्छे बनो, बाहर से भी अच्छे बनो। बहुत दूर जाना है आपके साथ तकरीर के सफर में, इसलिए कभी ये उलमाए किराम, बल्कि कभी नहीं अब तो रोज ऐसे बैठने की जरूरत है। रोज 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 ऐसे बैठने की जरूरत है। कैसे कैसे वाकियात आते हैं नौजवानों। कल मैं टुमकुर में था, वहां मैंने कहा
तो पूरा मजमा लरस गया। एक अल्लाह की बंदी मुझे फोन करती है, हजरत उलमा शराब के बारे में बोलना छोड़ दिए। मैंने कहा कि आप गलत बोल रही है, क्यों नहीं बोलते शराब के बारे में बोलते हैं। कहा हजरत हमें कोई ऐसा बयान आप कभी नहीं सुने। मैं बोला बोलिया हूं मां, हर जुम्मा बोलने नहीं होता। जब बोले शायद तू नहीं सुनी, बोल क्या मसला है, क्या हजरत। रोज हमारे घर का मर्द रोजाना रात में शराब पीता है, शराब। व्हाट्सएप में फोटो भेज दो हजरत, देखो कैसी शक्ल का इंसान शराब पी रहा है। अल्लाह के पास जवाब देने का डर न होता तो फिर मैं वो तस्वीर नहीं दिखाता कि उसकी तस्वीर को देखकर तो आप मेरी तकरीर को झूठ कहेंगे। शराब को रोकने वाली कौम आज शराब में मुब्तला, झूठ से बचाने वाली कौम आज झूठ में मुब्तला। जिना की खबाहतें बयान करने वाली कौम आज जिना में मुब्तला। सूद जिस कौम के अंदर सबसे बड़ा पाप है। इतना बड़ा गुनाह पूरी शरीयत में कोई नहीं जिस गुनाह को अल्लाह और उसके रसूल ने दूसरे खतरनाक गुनाह के साथ तस्बीह दिया हो, और उस गुनाह का नाम है सूद। आखा ने फरमाया सूद का एक पैसा खाना खुद अपनी मां का मुंह काला करने के बराबर है। सूद का एक पैसा खाना, और एक रिवायत में 30 पर 6 मरतबा जिना करने का जो गुनाह होगा वो सूद के एक पैसे का गुनाह। आज उम्मत मुब्तला है, अच्छे अच्छे ताजिर मुब्तला है, अच्छे अच्छे मालदार मुब्तला है। सूद से रोकने वाली कौम आज सूद में मुब्तला, जिना से रोकने वाली कौम आज जिना में मुब्तला, झूठ से रोकने वाली कौम आज झूठ में मुब्तला, शराब से रोकने वाली कौम आज शराब में मुब्तला है। नहीं है निकम्मे कमीने रजील आवारा आजाद ये भी पीते हैं जो लोगों के सामने शरीफ हाइफे वीआईपी समझे जाते हैं वो भी पीते हैं। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया गरीबों का गुनाह गरीब है, अमीरों का गुनाह अमीर है। गरीब भी शराब पी रहा है, अमीर भी शराब पी रहा है। गरीब की शराब 100 रुपए, अमीर की शराब 1000 रुपए। और भी मिसाल दे सकता हूं, मासूम बैठे हैं हमारे सामने, ये ज्यादा इन बातों को ना समझे। मैं इनके सरों से बात गुजार कर तुम्हारे दिमागों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हाल ये है, ये है हाल। उस्मान ने फोन किया, व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजी, एक अजीब बात कही उसने, उसने एक अजीब बात कही। और एक बात करूं मैं बोलो खुला, अपना पूछ को बोले सो माना पसंद नहीं आई मेरे ऊपर कभी फातिहा पढ़ना नहीं। दावत तबलीग की जमातें सिर्फ नमाज नमाज रोजा रोजा जका जका जिक्र 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 कहती रहती है, फिरती है, मेहनत करती है। ये आधा काम हुआ, पूरा काम है। मौलाना इन बातों का मैं ही जिम्मेदार हूं, आप हजरा जिम्मेदार नहीं। परेशान होकर घूरने की जरूरत नहीं। मैं जर्रा ओपन मौली साहब का मैं हक बात और साफ बात करने में मैं पीछे हटता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझे हक को दबा कर जीने से हक बोल कर मरना बहुत पसंद। अल्लाह का करम और एहसान है, जहां हक बोलने का मौका मिलता है मैं बराबर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ करो, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप मेरे हक में दुआ करो कि इस जिस्म में रूह के आखिरी सेकंड तक ये आजिज हक ही बोलता है। दावत और तबलीग का हम सिर्फ आधा काम कर रहे हैं, आधा काम नहीं, लेकिन फिर भी हम तकरीर में आयत पढ़ते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आयत तो पूरी पढ़ते हैं, काम आधा करते हैं। तबारक साहब, मौलाना तबारक साहब, तवज्जो चाहता हूं, आयत तो पूरी पढ़ते हैं लेकिन काम आधा करते हैं। क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा कि पैगंबर आपकी उम्मत को कह दो आपकी उम्मत स्पेशल उम्मत है। तुम खैरा उम्मत, इनका तर्जुमा क्या? आपकी उम्मत स्पेशल उम्मत है। दूसरे नबियों को ऐसी उम्मत नहीं मिली जो उम्मत है मोहम्मद हमने आपको अता किया है। इस उम्मत का खास सा क्या है? तमरून बिल मारूफ, ये अमर बिल मारूफ करती है, भलाई की दावत देती है, नमाज की दावत देती है, रोजे की दावत देती है, जकात की दावत देती है, हज की दावत देती है, जिक्र की दावत देती है, इल्म की दावत देती है, उम्रे की दावत देती है, हलाल की दावत देती है, सदाकत की दावत देती है, अमानत की दावत देती है। तामरून बिल मारूफ, और एक भी तो सिफत है हमारी, और एक भी तो शान है हमारी, और एक भी तो लेवल है हमारा, वतनहौन अनिल मुनकर। और ये उम्मत वो है जो दूसरों को शिर्क से रोकती है, दूसरों को बिदअत से रोकती है, दूसरों को झूठ से रोकती है, दूसरों को शराब से रोकती है, दूसरों को जिना से रोकती है, दूसरों को झूठ से रोकती है, दूसरों को धोखे से रोकती है, दूसरों को खयानत से रोकती है, दूसरों को नफरत से रोकती है, दूसरों को दुश्मनी अदावत से रोकती है। इस उम्मत की ये दूसरी शान है। ये दो हिस्से जमा हो जाते हैं तो उसी का नाम ईमान है। बोलो रे बाबा सुभान अल्लाह। बड़े सुस्ती ना चंद्रा पटन वाले है। अरे अरे नारे लगाओ, बोले नहीं बाबा, नहीं तो नारों का मुखालिफ हूं। नारे क्या मालूम क्या? दूध में गैस। नारे क्या? दूध में गैस। दूध में गैस, गैस गरम करने का से दूध रखो, अंदर से हरारत पैदा होती है, उबल पा फूको फिर नारे लगाते ही पुलिस का डंडा देखते ही नहीं मरा ना। नारे तो लगा को तो हमें नींद में भी नारे मारते, जरूर परेशान हो जाती खाली नींद में नारे मारे ना जी तुम्हें बोल नहीं नहीं खाब में जुलूस में था मैं खाब में जुलूस में था मैं वो नारा याद आया सो लगा दिया सो अल्लाह पर कबीरा अल्लाह पर कबीरा कहीं कुछ शेर थे मेरे पास नारों के उन्वान पर। नारों का तुम्हें मौका नहीं, जोश पैदा करो तो नारे लगा लगा को ऐसा कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना मालूम नहीं। बिहार में अजीब अजीब नामा रखते हैं, बिहार जा कोई नहीं करते भी नहीं है। बिहार के हजरत पे रहेंगे, यहाँ पर अजीब अजीब नामा रखते हैं ऐसे नाम पहचान के वास्ते, लेकिन अच्छा रखे तो अच्छा। खरी में एक साल पहले गया था रमजान से पहले बिहार को, तो एक साहब बच्चे को खाले कराए, बच्चे को देखते ही बहुत अच्छा अच्छा हो रहा था। क्या बेटे नाम बोले तो उन्हें बोल नहीं सका, तो उसके बाबा बोले इसका नाम रमजान रखते नाम रखते। मैं जरा मजाक से पूछा
तुम्हारा नाम गुरु भरे शाबान सच में बाबा का नाम शाबान बेटे का नाम अरे बुजुर्गों में गुजरे हैं शाबान नाम के बुजुर्ग भी गुजरे और मिस्र में आज भी खाली रमजान जबरदस्त खाली खाली रमजान बोलकर दानो बेहतरीन खाली मिस्र के लिए बाबा का नाम शाबान बेटे का नाम रमजान बोलिया और एक बेटा हुआ तो नहीं तो इसे बेटा हुआ तो शवाल करो फिर उसके बाद हुआ तो जो फायदा रखो ताकि पूरा साल हमारे घर में रहो। वैसे एक साहब का नाम इस्लाम था क्या नाम इस्लाम उनमें भी उसका बाबा ट्रेन में बैठ बजाने को थे रस्ते में ट्रेन खड़ी तो बेटा उठो उतर को चाकी क्या खिलाने गया दो मिनट के बाद ट्रेन गुजरी बाबा डर को कहा बच्चा छूट जाता कि बोल को इस्लाम इस्लाम गया डब्बे में बैठे थे ना पूरे जिंदाबाद तो एक जमात हमारी हर जगह चाहे बंगलौर में हो चाहे चट्टाईपटन में हो चाहे मैसूर में हो दुनिया के हर शहर में और मुल्क के हर शहर में ये जमात रब्बे काबा की कसम सिर्फ मुसलमानों में ही बन सकती है दूसरों में बनेगी मुझे तो गारंटी नहीं है उस जमात का काम सिर्फ मुनकर हो जो मुनकरात को रोकने का काम करे कौन शराब पीता उसके पास चले जाए किसके पास गुनाहों की लत है उसके पास चले जाए कौन सूद का कारोबार करता उसके पास चले जाए उसे कुरान और हदीस बोलकर खबर और हशर बताकर जहन्नम बताकर वईदे बताकर और तौबा करने के वादे बताकर उसे लेकर आए अभी तक हम आधे काम में हैं, आधे काम का हमने शुरू किया नहीं है उसे शुरू करने की हर गांव हर शहर में जरूरत बात सही है कि गलत कौन कौन मेरी इस बात की तारीफ करेंगे हाथ उठाओ माशाल्लाह 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 इलेक्शन में यहां कर दूं कोशिश करो करो कोशिश करो अभी मैं तकरीर शुरू कराया नहीं अनुमान बता रहा हूं मैं आपको आज से बात गई झूठ तक गई झूठ से फकर तक गई फकर से अखलाक तक गई उस औरत ने कहा कि रोज शराब पी कर आते हैं और उससे आगे की बात सुनो आप कांप जाएंगे उस औरत ने कहा कि हजरत या तो मेरे शौहर के लिए हिदायत की दुआ करो या तो मौत की इसलिए कि मुझे डर बहुत हो रहा है इससे जब वो आता है इशारा देता हूँ समझ जाइए ताकि गहराई में बच्चे न समझे जब वो आता है जरूरत चाहता है तो मैं फौरन उसकी जरूरत पूरी कर देती हूँ इसलिए कि अगर मैं इनकार करूं तो कहीं वो मेरी बेटी पर हमला न करे ऐसे लोग हैं अच्छे बनो गुनाहों से बचो नेक काम को अपने अंदर डालो शुरू में तुमको डालना पड़ता है शैतान आएगा नफ्स आएगा आपको रोकेगा चंद दिन मुकाबला करो उसके बाद कोई नहीं आएगा वो नेक काम अमल ही नहीं बनेगा तुम्हारी आदत बन जाएगी चंद दिन फजर की नमाज में मेहनत करके उठो शैतान सुलाने आएगा नींद आएगी नफ्स कहेगा ये सर्दी में ठंडे पानी में वजू की करता हूं
ऊंट को बांध के खजा पढ़ ले, अभी क्या उल्टा जल्दी उठने की उम्र है तुझे, फुला फुला कहेगा। लेकिन आप शैतान का मुकाबला करो, नफ्स का मुकाबला करो, नींद का मुकाबला करो, उठकर बैठ जाओ और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम पढ़ो, शैतान भाग जाएगा। ठंडे पानी में की गर्म पानी में वजू करो, नमाज पढ़ो, आज पढ़कर देखो कितना मजा आएगा, कल आपको और मजा मिलेगा, परसों आपको और मजा मिलेगा, रोजाना आते रहेंगे शयातीन, नफ्स सुलाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन जब आपके ईमान की ताकत के सामने वो हार जाएगा, वो जलील हो जाएगा, वो रुस्वा हो जाएगा, और उसकी दाल तुम्हारे ईमान के सामने जब नहीं गलेगी तो वो दूर हो जाएगा। अब ये तुम्हारा फजर को उठने का अमल अमल ही नहीं रहेगा, आदत बन जाएगी, आप सोना भी चाहेंगे फजर के वक्त अल्लाह आपको नहीं सुनाएगा। अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे बंदे तू चंद दिन तक दुश्मन से मुकाबला किया, नफ्स से मुकाबला किया, नींद से मुकाबला किया, मेरे बंदे मैं तुझे आजमाता रहा, मेरी आजमाइश में अब तू कामयाब हो गया, अब तेरा सोना मुझे अच्छा नहीं लगता, तू ना भी उठे तो मेरी मोहब्बत तुझे उठाए। तू ना भी उठे मेरी मोहब्बत तुझे उठाएगी। अच्छे बनो, अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, आजिज़ी पैदा करेंगे, तवाज़ु पैदा करेंगे, और खास तौर पर आजिज़ी तवाज़ु अखलाक कहाँ दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, ससुराल, घर पे, ससुराल, घर किसकी भी शादी हुई नहीं, खास तौर पर ससुराल में आज जाना, सास के घर को नहीं तो समा जाना, मुंह भर का पाप गाना, बिगड़ी हुई जिंदगी जल्दी यकीन में बदलती नहीं, अब हमें जाकर मोहब्बत से अब्बा पुकारेंगे, वो बुड्ढा भी सोचता काकी दाल में गाता है कि मोहब्बत से पुकारा बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। ये दुनिया में अच्छा बनना कमाल है, सो जन्नत में अच्छे रहेंगे तो क्या कमाल है, जन्नत में गुनाह नहीं, जन्नत में बदअखलाकी नहीं, जन्नत में बदतमीजी नहीं, जन्नत की जुबान प्यारी जुबान, जन्नत की निगाह बाहिया निगाह, जन्नत की अदाएं बेमिसाल अदाएं, वहां अगर कोई अच्छा रहता है तो क्या कमाल, चंद्राय पटन में मरने से पहले अच्छे रहना यही तो कमाल। हमारी किताबों में आता है अखलाक को बनाकर इख्तियार करो, अखलाक को बनाकर, तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं रही तो भी तुम्हें बनावट पैदा, ये बच्चे मदरसे के जरा खामोश बैठो, बैठे बैठ जाओ, कौन उनके हजरत बीच में बैठे, तुम्हारे अंदर अखलाक नहीं रहे तो भी तुम्हें अपने अंदर अखलाक के सका पैदा करो, सिर्फ बनावट अखलाक में इजाजत दे, चलते चलते इंशाल्लाह वो चीज आ जाए। फखर नहीं करना, मैं भी फखर नहीं करता, फखर माल में क्या, ताकत में क्या, अल्लाह को तो फखर ईमान में भी पसंद नहीं। पॉइंट सुनो, अल्लाह ताला जबरदस्त बात और लिख अदा किए हैं, माल में फखर करना तो दूर की बात, ताकत में फखर करना तो दूर की बात, खानदान में फखर करना तो दूर की बात, मतलब हमारे पास भी का भी कम है वो तो समझो लोगों, मैं का भी कम नहीं, ये नहीं,
अल्लाह फरमाते हैं माल में ताकत में खानदान में फख्र करना तो दूर की बात, अल्लाह फरमाते हैं कि तू ईमान में भी फख्र न कर, काफिरों के सामने तुम्हें सब पत्थर के पूजा करने वाले हमें अल्लाह की इबादत करने वाले इस पर भी फख्र न करो। इस वक्त अगर तुम्हारे पास ईमान है ये तुम्हारे मेहनत का नतीजा नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मेरे फजल का सदका है। उसे भी मैं पैदा किया, तुझे भी मैं पैदा किया, उन्हें महरूम रहा तू आरास्ता रहा, तुझे जो ईमान मिला ये तेरे मेहनत का बदला नहीं, मेरा फजल फजल। मैं दिया सो तुझे एक मुसलमान बाप के खून से मैं पैदा करया सो। अल्लाह फरमाते एक मुसलमान मां का लाल मैं बनाया सो तुझे, एक मुसलमान के घर में मैं पैदा करया सो तुझे, तू दौलत पर क्या फकर करके बर्बाद होगा, ताकत पे फकर करके क्या बर्बाद होगा, खानदान पर फकर करके क्या बर्बाद होगा, ईमान भी अगर तेरे पास है तू मेरा शुक्र अदा कर, फखर न कर। गैरों के सामने अगर तू अपने ईमान पर तकब्बुर करेगा मेरी ताकत को तू जानता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं देना भी मुझे आता है लेना भी मुझे आता है। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग गुजरे हैं, तवज्जो से वाकिया सुनो नौजवानों, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला अंदलुसी। क्या नाम बोलो? अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाही अलैह। बड़े लोगों का नाम कम से कम एक मर्तबा तो बड़े अदब से बोलना, बयान करते करते बीच में दो चार मर्तबा आ गया, अंदाजा तकरीर में अगर आप शुरू और आखिर के कोई जुमले छोड़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह वालों के इस्लाम पर एहसान करने वालों के और इस्लाम का काम करने वालों के मुजाहिदीन और शुहदा का नाम अगर लेते हैं तो पूरे अदब के साथ, खासतौर पर हजरत टीकू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम बच्चे बच्चे के जुबान में है, चंडा पटन में भी हिंदी टीपू कमेटी टीपू जवान क्या की किधर की रहती है, समझ में नहीं आता। अल्लाह रहो अच्छा काम ही है, अब तो टीपू कमेटी हर हर जगह पर रहना चाहिए। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और सीरत का प्रचार अपने अपने अंदाज और अपने अपने जुबान से करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक साजिश चल रही है हमारे बड़ों की तारीख को गलत बनाकर पेश करने की। हमें अपने बड़ों की तारीख अच्छी बनाकर पेश नहीं करना, जो है वो पेश करना, बस इतना बस। हजरत टीपू सुल्तान का नाम लेते हैं, ऐसा लेते हैं हमारे नौजवान होटल में खड़ा रहता, ये हाथ में चाय का गिलास, ये हाथ में सिगरेट। टीपू सुल्तान का दबाव शर्म मारदा ले जाते, ऐसा टीपू सुल्तान बोलता क्या कि इनके चिचा नहीं लेना बा, बड़ों का नाम अदब से लेना, अंबिया का नाम अदब से लेना, सहाबा का नाम अदब से लेना, तानीन का नाम अदब से लेना, बड़ों का नाम अदब से लेना, मोहसिनीन का नाम अदब से लेना, शुहदा का नाम अदब से लेना, काम गया अदब हमारा। हमारा अब्बा बोलते चार मामुआ एक सगा जमा हो गए तो तब बोलो नजीर मामू बशीर मामू बसीर मामू बोलकर, तन्हा अगर कोई भी आ गए तो सिर्फ मामू बोलो, नाम भी लेता मामू भी बोलता, नजीर भी बोलता मामू भी बोलता, ये भी अदब के खिलाफ। हमारे अब्बा को एक भांजा आकर जकरिया मामू को बोलकर बोलिया, हमारे अब्बा बोले या तो मामू पुकार नहीं तो जकरिया पुकार। अब्बा का एक अजीब और अजीब तरबियत का तरीका रहा, नाम ले को रिश्ता जोड़ को बताना नहीं,
डायरेक्ट रिश्ता पेश करना, चाचा बड़े चाचा छोटे चाचा काले चाचा गोरे चाचा रहते ना पुराने जमाने में बोलते ना, पूरे चाचा वो जमा हो गए तो तब पहचान के लिए बोल सकते नजीर मामू बशीर मामू फला फला बोलो, फिर भी डायरेक्ट पुकारे तो रिश्ता लेकर पुकारना, नाम लेना नहीं बड़ों का नाम लेना भी बेअदबी बेदादी है। इसके वास्ते छे ना कौन भी बड़ों का नाम लेते नहीं, अम्मी का नाम लेते नहीं ना अम्मी का बोलते, अब्बा का नाम लेते नहीं अब्बा बोलते, बीवी कभी भी शौहर का नाम ली आजकल ले रही भरे शादी में शादी शादी सो शादी को कौन शादी को बोलो हमें लेकर और नौशो को शादी पुकार लिए हमें दोस्त के सका शादी क्यों करी घुगू का दोस्ती से भी आगे का रिश्ता है निकाह, दोस्ती में हुदूद है गेट्स है शादी में हद नहीं है, मोहब्बत पार करने का नाम शादी नहीं मोहब्बत में मिल जाने का नाम शादी है, पार करने का नहीं। हैदराबाद में बहुत बड़े अल्लाह वाले थे उनकी खिदमत में बैठने का मौका मिला बयान भी करने का मौका मिला, जब मैंने ये बातें कही तो उन्होंने बहुत दुआओं से नवाजा, हद पार करने का नाम निकाह नहीं है, हद तो कहीं भी पार नहीं करना, मिल जाने का नाम है, घुल मिल जाने का नाम है शादी। शोहर का मकाम बड़ा होता है इसलिए इशारे से बात करना, नाम लेकर बात करना नहीं, हालांकि औरतों का मजमा नहीं है फिर भी तुम्हें घर में जाकर बोलो ये बात अच्छा बोले को बोल को। नाम लेकर बात नहीं करना, सादिक सिराज नजीर बशीर हद के जमाने में बुला रही आराम से बुला रही, एक जमाने में नहीं इशारा उनु क्या उनु मैं क्या बोलते उनु ना क्या बोलते बोला ना दरवाजा मारे कौन भी आए घर के अंदर पूछते कौन मारे उनु आए से पूरा घर समझ जाता उनु कौन कौन इजराइल उनु उनु बच्चा शरारत करता तो माँ घर में उनु आते बोल तो बच्चे को भी मालूम है हमारे अपनी के उनु कौन उनु हाँ 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 लेंगे बड़ों का नाम अदब से, एक सेकंड भी अगर बड़ा भाई है तब भी दो बच्चे मिलकर पैदा होते नहीं, तीन बच्चे मिलकर पैदा होते नहीं, क्या बोलते उनको ट्विंस बोलते जुड़वा बोलते नहीं जुड़वा बोलते। महाराष्ट्र को गया था मैं पुणे के पास तो वहां दोनों बच्चे आए थे तकरीबन 15 साल के 16 साल के दोनों सेम सूरत, तो इस बच्चे अक्सर सेम सूरत के पैदा होते, वो दोनों बच्चों में मजलूम कौन होता कि उस बहुत मजलूम हो जाता बड़ा शरारत करता उसके ऊपर नाम आ जाता, दोनों सेम पहचानना मुश्किल हो जाता। उनके बारे में बताया गया कि कभी कभी तो उनकी अम्मा भी पहचानने में तकलीफ कर देती है, सेम सूरत सच में बोल रहा हूं डिटो सूरत, मेरी खिदमत में लगे रहे थे बच्चे वो, तो उनमें से एक बच्चा एक बच्चे को साथ पैदा हुआ है सर भैया सेम पैदा हो गए, मुझे भी फौरन बात समझ में नहीं आई अंदाज समझ, तरबियत अच्छी है ना वो घर के बच्चे खुदा की कसम आज के दौर में भी नमूना होते हैं, तरबियत होना आज हमारे घरों में बच्चों को खाना मिलता पानी मिलता बिस्तर मिलता जरूरत की चीजें मिलते मोबाइल तो पूछे बगैर मिलता सब मिलता, हमारे बच्चों को हमारे घर में नहीं मिलती सो चीज कौन सी तरबियत। बात सही है गलत है, 10 लाख का खिलौना देने वाला बाप मुश्फिक बाप नहीं, बच्चों की
की तरबियत करने वाला बाप ही मुशफिक बाप। वो बच्चा उस घर के अंदर रहता है जो घर किराए का हो, जिसके बाप को उस घर का किराया। अल्फाज गौर से सुनना चाहिए पठान के मुसलमानों, उस घर का किराया तय करते हुए बाप को बहुत तकलीफ होती है, गुर्बत का यह हाल हो, लेकिन वो बाप अपने बच्चों की तरबियत करता है तो उन बच्चों को अपने बाप से जबरदस्त विरासत मिल रही है। इसके बरखिलाफ कोई बच्चा ऐसा हो जिसके बाप की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की हो, लेकिन उस बच्चे को उस घर से और उस बाप से तरबियत हासिल नहीं, हजरत अली फरमाते हैं वो बच्चा महरूम ही नहीं, बाप के जिंदा होते हुए भी यतीम है। अगर बच्चों की तरबियत नहीं करते हमें जिंदा रहकर भी हमारे बच्चे यतीम। बच्चों की अगर तरबियत करते हैं हमें गरीब रहकर भी बच्चे अमीर। तरबियत करो इन मासूमों को, इन गलती करे तो टोको, फिर उस गलती की इस्लाह करो, अच्छा काम करते हैं तारीफ करो, इनसे खिदमत लियो, लियो खिदमत। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने बच्चों से खिदमत लियो। बाप बोले बेटे जरा बाबा दा बाबा, तुम्हें बच्चे को 25 साल तक एक मर्तबा भी पांव दबाने का मौका दिए नहीं, अब तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, पांव के दर्द से तुम तड़प रहे हो, अब आकर क्या खाक बच्चा पांव दबाएगा? क्योंकि दो ईमान है ना मेरे, मौजूदा हालात में ईमान की हिफाजत और औलाद की तरबियत, तो तरबियत में बात याद आ गई, बड़ों को पुकारने के तरीके में, बच्चों को खिदमत का मौका दो। सर में दर्द है बेटे जरा सर पांव सर दबा, मां भी बच्चों को बोलना जरा बेटा रहा तो क्या बेटी रही तो क्या, जरा पांव दबा बेटे, और कहां तक पांव दबाए, सिर्फ ये क्या यहां तक पांव दबाए बेटा भी, आप ही चाहता हूं यहां बैठे हुए ना बता रहा हूं मैं बेइज्जती नहीं करता, जरा पांव दबा पा, पूरे हिजाब के साथ मां पूरे तरीके से भड़क कर ओढ़ ले, ऊपर चादर डाल ले, मां हो तो भी क्या हुआ, फिर एक औरत ही तो है, बेटे का मां से रिश्ता बाली होने से पहले ही दूर का हो जाता, चूंकि तरबियत करना है, जरा पांव दबा बेटे तो पांव दबाएगा बच्चा, तो तब मां की कदर मालूम होगी, कभी मां बच्चे को पांव दबाने का हुक्म नहीं देती, सर दबाने का हुक्म नहीं देती। हमारे औलिया ने अपने मां के पांव दबाकर कसम अल्लाह की विलायत के आला दर्जों तक पहुंचे, बचपन से खिदमत देते नहीं, जब चोरू का हो जाता है तब खिदमत के ताने देते हैं, जब चोरू का हो जाता है तब खिदमत की बात करते हैं, खिदमत का सबक ही तो सबक मिला ही नहीं बच्चों को, आपने मौका दिया नहीं खिदमत का, वैसा बोलकर खिदमत का मौका दिए भी तो रे जा को ये पीर सिर की पेट ला रहे, बच्चे से ज्यादा इस चीजें मंगाते इसे खिदमत समझ रहे, पान पलक लगा जा को शर्म नहीं आती, बेटे के हाथ से नाजायज चीज मंगाते हुए इसे खिदमत नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने के बराबर है। जो बाप अपने बच्चे के हाथ से पान परात मंगाता है, हंस मंगाता है, मानीचन मंगाता है, बीड़ी मंगाता है, सिगरेट मंगाता है, वो बच्चे के ईमान का अखलाक का तरबियत का दुश्मन। समझ में आ रही है? अरे आ रही नहीं आ, बच्चों से खिदमत लिया पाओ दबा बैठे ऐसा दबा बैठे। बहुत कम मर्तबा मेरे मालिक के खदम को दबाने का मुझे मौका मिला, पाओ दबाना भी अब्बा ने मुझे सिखाया, जब भी मैं याद बता रहा हूँ मैं आपको पाओ दबाना अब्बा ने सिखाया,
तलवे को ऐसा दबाना बोले अब्बा, अंगूठी से, अंगूठी से दबाना था, क्योंकि इसमें है ना सख्त चीज तकलीफ पहुंचाती है ऐसी। बच्चों को खिदमत का मौका दे, नहीं देते बच्चों को खिदमत का मौका, नहीं तरबियत ही से नहीं करते। तरबियत दो तरीके से करना, एक हमारी अपनी हमारी अपनी तरबियत दिखाना, दूसरा तरबियत करना, तब जाकर बच्चे बनते, तब जाकर बच्चे बनते। हमें अपनी तरबियत बताना, दूसरा उनकी तरबियत करना। आदि तरबियत उन्हें आदि तरबियत याफ्ता हम ना देखकर होता, आदि तरबियत हमें करने से सीखता। उसे क्या मालूम छोटा बच्चा, बेटे ऐसा बना, ऐसा ऐसा बात करना, बेटे आओ जाओ बोलना, बेटे आओ जाओ बोलना, दीदी बोलो बेटे, बड़े भैया बोलो बेटे, उन्हें सिखाओ। और इसे तरबियत करता तो हमें भी आओ जाओ बोलना, बच्चे को आओ जाओ बोलते जो रूप आगे जाए चला नहीं चलता, चलना जो रूप पिज्जा पकाते पिज्जा पकाते ये आगे है। और वो जमाना चलेगा, अब उन्हें भी जवाब देते हैं कि रे वो चलेगा अगला जमाना, वो मारे तो मार खाने को रखने वाली, गाली दिए तो सबर करने वाली, और ये पुकारे तो मेरा शौहर इतना मुझे पुकार रहा, उसके उन्हें कैसा रहा थे मेरा शौहर, ऐसा समझने वाले औरत खत्म हो गए। बहुत कम औरत अभी दुनिया में चावल के मोटो में कंकर के दाने के बराबर ही। आप लेवल लेवल टू टू मई मई क्या जी, क्या जी, क्या रहे? क्या रहे? हमें मार उन्हें भी मार, ऐसा मारती उन्हें दो दिन काम गुजरता नहीं, क्या कहते बुखार बदल दो दिन काम गुजरता नहीं बुखार। तरबियत दिखाना भी, तरबियत करना भी। पानी लेकर आए तो पानी लेकर बेटे, ये गिलास पानी लेकर लेकर आता है, जब नहीं बेटे बड़ों को पानी ऐसा नहीं देते, कौन तभी पानी मंगाए तो पानी गिलास में देखना, गिलास देखना उसके बाद पानी पकड़ना, पानी गिलास के अतराफ और नाप के तमाम खतरे झटकना, उसके बाद तश्तरी में रखना बड़े अदब से, ये हाथ में तश्तरी पकड़ना, ये हाथ में गिलास, मेरे अब्बा सिखाए सो, ये हाथ में गिलास, ये हाथ में दस्तरी नहीं, ताकत ये हाथ में होगी, ऐसा पकड़ कर लाकर ऐसे अदब से दो। अबू पानी ले, अबू ये पकड़ा सब आधा लाए तक गिर को आधा हो जाता, ले अबू बोला अबू क्या तरबियत कर रहे हैं। अब तो हमारी तरबियतों को देख कर दुश्मनों ने अपने बच्चों को वैसी तरबियत करना शुरू की है। मेरे शाह कुतुबे आलम हजरत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम, इस वक्त के बड़े बड़े औलिया में हजरत का शुमार होता है। हजरत ने फरमाया एक मरतबा मेरा यूरोप के मुल्क में सफर हुआ, मैं अपने मुल्क से फ्लाइट में बैठ कर जब सफर शुरू किया, इत्तेफाक से मेरी सीट के पास हूँ एक माँ और बच्चे की सीट थी। हजरत की सीट इधर फ्लाइट में इधर तीन इधर तीन होते नहीं सीट ना, तो इधर हजरत की सीट इधर और हजरत के सीट के बाजू माँ बेटे की सीट थी। हजरत ने हजरत बैठे थे, एक औरत ने अपने बच्चे को लाई तो हजरत के पास वो बच्चे को बिठाई, उसके बाद उन्हें बैठी। अब
शाऊल थी ईसाई। हजरत अब्दुल्ला अंदलुसी का वाकया बयान करना है, ये ज़हन में रखो। उन्हें थी ईसाई, ईसाइयों में हिजाब नहीं, पर्दा नहीं। हमें नहीं बात करे तभी उन्होंने बात करते, हमें नहीं बात करे तभी उन्होंने बात करती। बिंदास, कोई हिजाब नहीं, कोई शर्म नहीं। अब उसने हजरत एक्सक्यूज मी ऐसा बात की, और हजरत तो अल्लाह वाले हैं। हजरत ने जवाब तो दिया लेकिन देखा है। और वली जो होता है उन्हें ऐसे ही वली नहीं बनता, जिसके निगाहों में कंट्रोल ना हो वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। ये लिखकर रख लो नौजवाना, लिखकर रख लो। विलायत में सबसे ज्यादा दखल निगाह का होता है। मैं बहुत बड़े बड़े औलिया की किताबें पढ़ा हूं, लेकिन तमाम औलिया ने निगाह की हिफाजत पर जो जोर दिया किसी और अमल पर, जिसकी निगाह में कंट्रोल नहीं, ये अल्लाह का वली नहीं बन सकता। शैतान के तीरों में से एक तीर हजरत बता रहे, ये नबी का फरमान है। नौजवानों, जिसकी निगाह खराब हो जाती है ना, उसकी ताकत भी बर्बाद हो जाती है। मैं कभी इंशाअल्लाह ताला आऊं तो इन उलमा के पास ये उनवान रखूंगा, निगाहों की हिफाजत इस दौरे पुरफितन में, ये उनवान भी होना चाहिए। निगाहों की हिफाजत, हजरत ने उनका एक्सक्यूज मी का जवाब दिया और हजरत अपने जिक्र में मशगूल और मसरूफ रहे। अब जब फ्लाइट में खाना लेकर आते, कभी फ्लाइट में बैठेंगे आप लोग? अरे बैठेंगे नहीं बैठेंगे? बैठेंगे, आधे लोग बैठेंगे बोले, आधे लोग नहीं बैठेंगे। जो लोग नहीं बैठेंगे मैं उनके हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह कभी भी ना बिठाओ उनको, सिवाय हज के मौके पर बिठाओ। फ्लाइट का सफर बड़ा अच्छा सफर समझ कर होते हैं इसको, बड़े खतरे का सफर, अटक को भी नहीं लटक को भी। उनने से पहले बेवार से डरा को अलग मरते नहीं, नहीं बोला ना, उनने से पहले डरा करते कि सामने दो पंख, पीछे दो पंख, पीछे चाका, वही तो एक बताओ पूछ ही रहे हो, सब मालूम है बोलने की क्या। सब हमको जो बताते वही बताना पड़ता है, फिर पानी में उतरना पड़े तो ये ऐसा कर लो, ये सब फूक लो, और विमान में कहते भी ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर से घचीट हो। मैं बोला है रेस्टरूम भाई, सफर शुरू करे तो अच्छे बात करना, ये लिखा है कि उनने से पहले तुम्हें डरा नहीं है तो साहब हमको क्या करना, साहब जो बताते वही बताते हैं, खतरे का सफर हो, खतरे का सफर हो, समझ में। अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए, हर सफर आसान फरमाए। अब जिले में बैठे हुए हैं, खाने का वक्त आया तो प्लेट में खाना मिले, क्या खाए तो भी प्लेट का खाना एक खाना नहीं, नहीं खाता नहीं प्लेट का खाना, एक अथवा रखो। सबसे कीमती सफर, पैसा भी सबसे ज्यादा, लेकिन खाना बड़ा खराब होता है। क्या बोला ना, बार बार अप एंड डाउन करनी तुम्हें क्या है? बहुत तो बोल ले को हूँ, नशे बोल ले को हूँ, अब क्या लागो पिलाना क्या? ये तो बोला ना कि नाम से नशे के बारे में बोल या हूँ, फिर नशे के बारे में बोलो को बोले तो मैं क्या करना, घरा घरा जाको बाटा जाओ उठा लेना क्या? क्या बोला अच्छा चला रहा है तो अच्छा चलाओ, बोल अरे स्टेरिंग इधर उधर हो जाती, इत्मीनान से बैठो। अगर अब इस ट्रिप में बात खत्म करना है, एक घंटे से ज्यादा हो गया, डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया वक्त, तो अर्ज कर रहा था आपके सामने खाना अलग कर दिए तो बच्चों के लायक तो खाना नहीं था। अखलाक बता रहा हूँ, तरबियत बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चे को स्पेशल खाना डब्बे में था उठाकर खिला रही है माँ। ईसाई
सारी दुनिया में अखलाक का सबसे ज्यादा सबक हमारे पास ही है, तरबियत का सबसे ज्यादा सबक हमारे पास है, अदब का सबसे ज्यादा सबक हमारे पास ही है, किसी किसी कौम के पास नहीं है। मैं इस पर गहराई पर जाना नहीं चाहता, आप हजरात को मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, जबरदस्त अखलाक और इंसानियत का सबक हमारे पास ही है। अब उन्हें ईसाई औरत डब्बा खोलकर बच्चे को छोटे नन्ना को खाना खिला रही है, हर टीस्पून के बाद कहती है बोलो बेटे थैंक्स, बोलो बेटे थैंक्स, एक मरतबा खिलाती फिर बच्चे को सिखाती बोलो थैंक्स, एक मरतबा खिलाती बच्चे को सिखाती थैंक्स, एक मरतबा खिलाती बच्चे को बोलती थैंक्स। बच्चा हर लम्बे में माँ का शुक्रिया अदा कर रहा है। फिर जरा सीट में बच्चा शरारत कर या हजरत को धक्का लग गया तो फौरन मां बोलती बेटे सर को बोलो सॉरी, हजरत को टक्कर लग गया तो मां तरबियत कर रही है बोलो सर को बोलो सॉरी, फिर बच्चा सॉरी बोल रहा है, फिर बच्चा बच्चा शरारत कर रहा है तो फिर मां को खामा का टक्कर लग गया, फिर मां बोलती मम्मी को सॉरी बोलो, बोलते तरबियत। ये सबक उनका नहीं, हमारा सबक उन्होंने देखकर ले लिए, अपने बच्चों को दुनिया के एतबार से तो संवार रहे हैं, आखिरत उनकी क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। हमें कभी बच्चे को शुक्रिया बोलना सिखाए नहीं, कभी बच्चे को माफ कर लियो बोलकर बोलना सिखाए नहीं, और वही सा बच्चा जब बड़ा होता है गुजरते हुए किसी बड़े से टक्कर लगता है, बड़ा भूल को देखा तो बजाए माफी मांगने के क्या होता है मर गए चलना नहीं चलना, ये हुआ क्यों? बचपन में तरबियत न होने का नतीजा, बचपन में तरबियत ना होने का नतीजा। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, दुनिया सब दुश्मन सब मुत्तफिक हो चुके हैं खास तौर पर हमारे बच्चों को बिगाड़ने के बारे में, यहां तक के वो अखलाक से बिगाड़ना ही नहीं चाहते, हमारे बच्चों के ईमान को भी खराब करने पर मुत्तफिक हो चुके हैं वो। खुद हमारे मुल्क के अंदर ये बिल पास हो चुकी है कि स्कूलों के अंदर मजहबी किताब पढ़ाई जाएगी, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, क्या वास्ते, क्या वास्ते? हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहां स्कूलों में साइंस पढ़ाओ, लैंग्वेजेस पढ़ाओ, जुबान पढ़ाओ, तारीख पढ़ाओ, लायर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, ये है संविधान के अंदर। स्कूलों के अंदर आलिम बनाओ, पंडित बनाओ, स्वामी बनाओ, फादर बनाओ, ये नहीं है। स्कूलों के अंदर कुरान पढ़ाओ, स्कूलों के अंदर भगवत गीता पढ़ाओ, स्कूलों के अंदर बाइबल पढ़ाओ, ये नहीं है। क्यों नहीं है? स्कूल जो होती है उसमें हमारे किस्म के मजहब के बच्चे आकर पढ़ते हैं, किसी एक मजहब की तालीम नहीं दी जाएगी, लेकिन बावजूद किसी की मदद किसी का ताउन न होकर भी इस मुल्क के जालिम हुक्मरान इस बिल को पास कर चुके हैं कि हमारे मुल्क के स्कूलों के अंदर भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। भगवत गीता क्या है क्या नहीं है इसे मुझे बयान करने की जरूरत नहीं, मैं हर किताब का अदब और एहतराम करता हूं, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा वो मुसलमानों की मजहबी किताब नहीं है, लेकिन उसे पढ़ाने की जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों का ईमान खराब करना उनका मकसद है, हमारे बच्चों का ईमान खराब करना उनका मकसद है। इसलिए बच्चों पर बड़ी कड़ी नजर रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर बच्चों पर
तरबियत का माहौल बनाओ, इनू उठे तो तरबियत करो, इनू बैठे तो तरबियत करो, इनू खाए तो तरबियत करो, इनू पिए तो तरबियत करो, माहौल और मजलिस में बैठे महफिल में बैठे तो तरबियत करो, इसी उम्र से इनको टोपी पहनने की आदत डालो। घर के अंदर छोटी बच्ची है, 5 साल की 3 साल की है, इस छोटी सी उम्र की बच्ची को भी स्कार्फ पहनाओ। कभी किसी बच्ची को या बच्चे को, यहाँ तक के 2 साल का तो बड़ी उम्र का, 1 साल के बच्चे और बच्ची को भी नंगे ना रखो। और लड़की को लड़की का लिबास पहनाओ, लड़के को लड़के का लिबास पहनाओ। किसी बच्ची को घुटने से ऊपर का स्कर्ट हर किस ना पहनाओ, इसलिए कि बचपन की जिंदगी का असर जवानी पर पड़ता है और जवानी के गलत कदमों का असर बुढ़ापे में पड़ता है। और जिसका बचपन करा उसकी जवानी करा, जिसकी जवानी करा उसका बुढ़ापा खराब, जिसका बुढ़ापा खराब पूरी जिंदगी खराब, जिसकी जिंदगी खराब उसकी मौत खराब। दुश्मन लाख चाहे कुछ भी होने वाला नहीं, अगर हम अपने ईमान के माहौल में मजबूत हो जाए। स्कूल में टोपी नहीं रही, लेकिन घर में क्या कानून है टोपी पहनाने का? स्कूल में टोपी नहीं साहब, हमारे मोहल्ले में टोपी पहनाने का क्या कानून है? लेकिन हम छोटे बच्चों को टोपी नहीं पहना, तरबियत हमें बिगाड़ रहे हैं कि दुश्मन बिगाड़ रहा है? माहौल से बच्चे खराब हो रहे हैं या हमारी नादानी से बच्चे खराब हो रहे हैं? जवाब दो मुझे, जवाब दो अकलमंदो, जवाब दो दानिशवरों, मुझे जवाब दो। हम खामखा अमेरिका को बदनाम करते हैं, इसराइल को बदनाम करते हैं, जापान और चाइना को बदनाम करते हैं, माहौल को बदनाम करते हैं। मैं उनकी ताईद नहीं कर रहा हूं, दुश्मन लाज चाहे क्या होगा, अगर हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा यकीन मजबूत हो, हमारे पास तरबियत पक्की हो, हम अपने बच्चों को बनाने का खुदा की कसम कसम खा ले, दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चों को बिगाड़ नहीं सकती। छोटी इतनी उम्र की बच्ची रहती है हजरत, 4-5 साल की, अल्लाह हो पर ऐसे गंदे कपड़े पहनाते हैं उसे, तोबा 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 तोबा। वो 5 साल की बच्ची के उतने गंदे कपड़ों को देखकर 30 साल के नौजवान का इरादा खराब हो रहा था। ऐसे कपड़े पहनाते नहीं पहनाते हम लोग, नहीं पहनाते। फिर भी क्या बोलते हैं, बच्चे चला मतलब बच्चे का फैशन, बच्चे। अरे मेरे भाइयों, आज कमीना इतना हद से गुजर चुका है, 25 साल की लड़की का ही रेप नहीं हो रहा है, 4 साल की बच्ची का भी रेप हो रहा है। तरबियत अच्छी करो, करेंगे इंशाल्लाह, कौन कौन करेंगे हाथ? ये दूसरा, पहले मैं आपको वादा किया था किसका, अखलाक का। दूसरा अब वादा है तरबियत अच्छी करो बच्चों, खुद के सर भी काली ना रखो, बच्चों के सर भी काली। तरबियत करे तो अच्छे अच्छे घरों के अंदर बच्चे अच्छे बन जाते हैं। ये जुड़वा जो बच्चे पैदा हुए, जुड़वा जो बच्चे पैदा हुए, सेम शक्ल के, लेकिन एक बच्चा एक बच्चे को मेरे सामने पुकारा, भैया हजरत बुलारी, भैया बोलते भी परेशान होगा, दोनों जुड़वा है, मेरे भैया किसे पुकारे? तो उन्हें बाद में पुकारे थे अपने हम शक्ल को, मैं पूछा तुम्हें इनको भैया पुकारना कैसा भाई? तो उन्हें बोल रहा है हजरत मेरे से 2 सेकंड पहले वो पैदा हुए, हमारे अम्मी बोले इनो बड़े कहते हैं छोटा कहते, मैं इनको भैया पुकारना कहते, इसलिए मैं भैया पुकारना। तरबियत देखे, आज 5 साल का बड़ा है भाई, उसे भैया नहीं पुकारते। ये बुजुर्गा बैठे हैं, मुझे भी मालूम है बुजुर्गा बैठे हैं, पहले जमाने में घर में बच्चे ज्यादा, बच्चा की शादी होकर भी खुद को बच्चे होते थे, नहीं चिच्चा छोटा भतीजा बड़ा, फुप्पू छोटी भतीजी बड़ी, बड़े बेटे की शादी करते थे उसे भी बेटा पैदा होता, कि यहां भी पैदा होता है।
गलत भी नहीं, शर्म भी नहीं, हंसी भी नहीं, क्या भी नहीं। अब बोले तो पूरा नौजवान तथा ही बिल्कुल हंसता, हम ना उल्टा उल्टा हमारे ऊपर हंसना सो। वो बुड्ढे बोलते हमें बुड्ढे होकर भी हमारी ताकत देखो रे, तुम्हें जवान होकर टिके ना रे। क्या बोला ना, हमें बुड्ढे होकर भी हमारी ताकत देखो। 60 साल में अपना बच्चा, 70 साल में अपना बच्चा, तुम्हें 30 साल में मसला पूछे सका, पूछ रहे। हालांकि इसका मसला खराब है हजरत, ऑपरेशन करना जायज नहीं। क्या पूछा, मैं बोला अब तेरे पास ताकत है क्या, बोल। ताकत नहीं है, ऑपरेशन करे तो क्या, नहीं करे तो क्या। पहले जमाने में चिच्चा छोटा, भतीजा बड़ा। हमारे बुजुर्गों को देख पूछ कर देखो, 5 साल 3 साल का चिच्चा छोटा, 3 साल का भतीजा बड़ा। लेकिन तरबियत ऐसी होती कि भतीजा बड़ा होकर भी उम्र में छोटे चिच्चा को चिच्चा बोलता था, इसे बोलते तरबियत। बड़ों का नाम अदब से लेना, लेंगे इंशाल्लाह वो दुनिया में माल, क्या कहते हैं, करना। उम्र में बड़े हो, इल्म में बड़े हो, मकाम में बड़े हो, उनका नाम अदब से लेना। हजरत टीपू सुल्तान का नाम भी अदब से लेना, हजरत बाबर का नाम अदब से लेना, हुमायूं का नाम अदब से लेना, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम अदब से लेना। ये सब का एहसान हमारे ऊपर। हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी वाकया बोलता हूँ मैं, अपने वापस बात की तरफ आता हूँ। फकर दौलत में ताकत में करना तो दूर की बात। अल्लाह फरमाते हैं कि फकर ईमान में भी ना करो, क्योंकि ईमान तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मेरे फजल का। इसकी कदर करो, ईमान बहुत बड़ी चीज है। मैं जितने बुराइयां बताया नहीं, ये बुराइयां होते कहीं को ईमान कमजोर है तो बुराई ना होती थी। जिसका ईमान मजबूत होता है उससे कोई गुनाह नहीं। हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह, हजारों औलिया के पीर गुजरे हैं, हजारों औलिया के शेख गुजरे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के खुद हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी शेख होते हैं। सीरत की किताबों में लिखा है तफसीली बात। एक मरतबा अपने मुरीदीन के साथ हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी हज को निकलते हैं, पैदल सफर हज का। उस जमाने में पैदल करते थे, इस जमाने में करोड़ों को बॉर्डर में अटक जाते, समझा भाई क्या बोला साहब, अटक कोई नहीं, शिहाब साहब अटक कोई चले गए। कितने चर्चे हुए उलमा में, क्या क्या इख्तलाफ हुआ, क्या क्या बोले उलमा, लेकिन सही नतीजे की तरफ नहीं आए। मैं भी बोलिया लेकिन न तो हालात खराब हो जाएंगे। उनको सिर्फ एक बात बता दिया मैं, पैदल सफर कर को 8 महीने के बाद मक्का पहुंचने से ज्यादा सवाब 4 घंटे में पहुंचने दिया। पैदल सफर कर को 8-9 महीने के बाद मक्का पहुंचने से ज्यादा अजर 4 घंटे में इधर से उड़े उधर उतरे सीधा मक्का पहुंच के जल्दी जाना ज्यादा सवाब है मशक्कत उठाकर जाने से। हमारी सर अच्छी बात, अच्छी अजान का जवाब।
बलिए काबिल, कुरान पाक का हाफिज, लाखों अहादीस का हाफिज, लाखों गुनहगार इंसानों की तौबा का जरिया व सबब। बीच रास्ते में कह दिया जाओ भी तुम लोग हज को जाओ, मुझे नहीं आना है, वापस भी जाना नहीं, तबीयत भी अच्छी है, फिर करना क्या है, यही रहना है। क्या वास्ते हजरत किया, यहां की लड़की पसंद आ गई, हम उससे निकाह कर अल्लाह। हजरत आप कबीला उठाकर किसी की नहीं देखते थे, अरे छोड़ो वो सब तकवा कितना सब छोड़ो, मेरे पीछे पड़ोगे तो तुम्हारा भी मसला बदल जाएगा, चलो देखो। हजरत अबू बकर शिकली अमीर हज बने हुए लेकर सफर में चले, हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी रहमतुल्लाही अलैह एक लड़की को देखे थे, उस पर दिल पड़ गया था, सीधे उसके घर को गए, दरवाजा खटखटाया, असल में वो लड़की ईसाई थी, उसके बाद दरवाजा खोला, पूछा क्या है, भाई हमारा नाम अब्दुल्लाह है, अंदलुस के रहने वाले, उस जमाने में हजरत का बड़ा चर्चा था, जब मजलिस होती थी तो हजारों लोग जमा होते थे, कई ईसाइयों ने हजरत के हाथ में तवा करके इस्लाम कबूल किया था, ईसाइयत को खतरा था अपना पटना में कि हजरत की दावत और तबलीग से पूरा इलाका मुशर्रफ पे इस्लाम हो रहा है, अब ऐसा आदमी दरवाजे पर खड़ा है, पूछ रहा क्या बात है, क्या बात है, कुछ नहीं, हमको तुम्हारी बेटी पसंद आ गई, हम तुम्हारी बच्ची से निकाह करना चाहते हैं। ईसाई बाप ने सोचा अच्छा वक्त है, हमारे लाखों लोगों के मजहब को बर्बाद करने वाला इस वक्त हमारे दरवाजे में खड़ा है, अब इसके मजहब को बर्बाद करने का मेरे हाथ में मौका है, कहने लगा हम आपके साथ हमारी बच्ची का निकाह करेंगे, हमारे खुश रहें, ये तुम अपने मजहब को बदल देना, क्योंकि तुम्हारा अलग मजहब है हमारा अलग मजहब है, दो मजहब के दरमियान में निकाह नहीं होता, तो मजहब बदलो। अब्दुल्लाह अंदलुसी ने कहा कि मैं इकरार करता हूं अल-इयाज़ुबिल्लाह, सब कहो नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी ने कहा कि मैं आज इकरार करता हूं कि मैं इस्लाम से हिट गया, आज से मैं ईसाई हूं। आगे की शर्त बता, लड़की के बाप ने कहा कि हम इतना जल्दी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, एक साल तक तुमको हमारे सुवरों को चराना पड़ेगा, जानवरों में सबसे ज्यादा हरीस जानवर है, नजीस जानवर, जिसका नाम तक लेना इस्लाम पसंद नहीं करता, गाली देना तो दूर की बात, हजारों मुरीदीन के बीच में बैठकर इस्लाह का काम करने वाला इस शर्त को भी कबूल करता है कि हम तैयार हैं। तीसरी शर्त, यह तुम्हारा जो मजहबी लिबास है ना, सर में दुपट्टा, चेहरे में दाढ़ी, जिसम में कुर्ता, इसे निकालना पड़ेगा। तब जाकर हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी ने कहा कि भाई हम दुपट्टा उतार देंगे, हमारा लिबास बदल देंगे, लेकिन दाढ़ी तो ईसा के चेहरे में भी थी, चलो दुपट्टा भी उतर गया, लिबास बदल गया, दीन से फिर गए। अब लाठी पकड़कर लड़की के बाप के सुवरों को चराने के लिए जंगल चले गए, सारा सारा दिन सुवर चराते, शाम को वो रेवड़ लेकर आते, जो मिलता उसे खा लेते और सो जाते, अजीब कैफियत, दीवानापन,
हाजियां हजरत के मुरीदीन खुलाफा परेशान क्या हुआ हजरत को, कहीं हम गलत आदमी के हाथ में तो बैत नहीं करें। कोई कहता है हमने गलत आदमी के हाथ में बैत कर लिया, कोई कहता है धोखेबाज था वो, कोई कहता है कि चलो धोखेबाज ही सही रास्ता तो हमको सही दिखाया। लेकिन एक हजरत अबू बकर शिबली थे, कहने लगे चुप हो जाओ, शायद के बारे में कुछ ना कहो। ये वक्त हजरत के इम्तिहान का चल रहा जैसा पढ़ते, कहने लगे हजरत के इम्तिहान का वक्त चल रहा है। हजरत गलत नहीं बोल रही, घूर को देखो ना, को ये दर्द है उनके दिल में। उन्होंने अपनी जवानी के दौर में इस्लाम को देखा है और इस दौर के मुसलमानों को देखते हैं, उनके तो बचपन से लेकर इस बालों की सुफेदी तक उन्होंने बर्थडे का बात तक नहीं सुना। आज हर घर में बर्थडे देखते हैं, इस्लाम के खिलाफ तुम करते हो दर्द उनको होता है। खुदा सलामत रखे, बेकार की बात और लखमे नहीं है उनके। दर्द है हमारे नौजवान मुब्तला, है हमारे नौजवान मुब्तला, बड्डों में मुब्तला है। ये तरीका किसका? ईसाइयों का। अगर पैदा होने की खुशी मनाना था तो सहाबा मनाते, हमें कौन सा वो काम कर दिए कि हमारे पैदा, हमें पैदा होने पर तो आज हमारी माँ भी नाराज है। इसे पैदा करने के बजाय हमें किसी कुत्ते के पिल्ले को पैदा कर देते, दूध हिलाता हुआ हमारी वफादारी करता, इसे पैदा कर को दूध पिला को ढला को धुला को 25 साल का जवान बनाकर शादी क्या करे, जोड़ू का गुलाम बना है। बात पे बात आएगी लेकिन है हकीकत मेरे दोस्तों, आज उम्मत के और नौजवानों के किस किस मर्ज को पेश करे है। नहीं है बेंगलोर में भी ये छाल है बड्डों का, वाह 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 वाह, वो भी रात के 12 बजे रास्तों में करते, वहां यहाँ ना भी रास्ते में सामने जाकर बोले तू भी सुनते नहीं, उल्टा हमला खाओ कर देंगे, बयान करके रात को जाते ना 2 बजे 3 बजे सब जाते ना, घर में जाते ना, एक जगह चल ले बोलता है बराबर निजा को ले क्या बा कर ले कौन सा हजरत आना हजरत तुम्हें भी खाओ, हजरत बोलता कि उन्हें केक पेश कर ले पाए दूसरा जगह फोटो पकड़ ले पाए, देखे क्या मैं नसीहत कर तो वो आता नहीं, उसके साथ बड्डे में हूँ बोल तो वो आता। और पब्लिक भी अच्छी दीवानी पब्लिक, तस्वीर के पीछे की हकीकत जानती नहीं, तस्वीर देख कर इल्जाम लगा क्या बोला सभी भाई उम्मत करो ना, मुझे माफ फरमा दे, अगर दिल टूटता है तो आईता मुझे बुलाओ भी नको, इस मर्तबा कौन बुलाए तो उनको छोड़ो भी नको। ऐसी जिंदगियां से तो दिल चाहता है कि और जिंदा रहे तो और गुनाह करेंगे, गुनाह करने से पहले मर गए तो अच्छा है। दीन को नुकसान दुश्मनों से नहीं हमारे अपनों से होगा, दीन को नुकसान तौबा करो, तौबा हर अमल हर बुरे अमल से तौबा करो मेरे दोस्तों। मैं यही बीच में जुमला कहा था, जैसे अल्लाह की ताकत में ये बात दाखिल है कि वो देना जानते हैं, वैसे अल्लाह की ताकत में ये बात, ये अल्लाह की, अल्लाह के पास इस बात की ताकत भी है कि वो दी हुई चीज को लेना भी जानते। 2 घंटे हो गई बात, मैं और जाना नहीं चाहता, 5-6 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों का जज्बा पसंद आता है तो इसलिए मैं बात को लंबी कर दिया, फिर कभी इंशाल्लाह और हर गुनाह से तौबा। अब हजरत के मुरीदीन थे नहीं चिंते मुंह इतनी बात, एक अबू बकर शिबली थे पूरे मुरीदीन के जुबान पर ताला, चुप शायद के बारे में कुछ ना कहो, इस
वक्त शेख इम्तिहान के वक्त से गुजर रहे हैं। दुआएं करो, कोई काबे का किला पकड़कर अपने शेख को दुआ कर रहा है, कोई रुकने यमानी में खड़कर दुआ कर रहा है, कोई जमजम पीकर दुआ कर रहा है, कोई तवाफ और मताफ में दुआ कर रहा है, कोई सफा और मरवा में दुआ कर रहा है, कोई रोजे अक्दस में हाजिरी देकर सिफारिश कर रहा है, या रसूलल्लाह तुम्हारा कैसा आशिक आज किस हालत में है, आप दुआ फरमा दे, नजर रहमत डाल दे, खोई हुई दौलत उनकी वापिस हो जाए, फुला फुला पूरे सफर से वापिस आते हैं तो देखते क्या है, मिंबर और मेहराब में बैठने वाला, खानकाहों की जीनत बनने वाला, देखता है काफिला हज से फारिग होकर आकर उसी रास्ते से गुजर कर देखता है तो क्या दिखता है कि एक बहुत बड़े मजमे का शायद सर में दुपट्टा उतर गया, एक कर्चिप लपटी हुई है, लिबास भी उतर गया, एक धोती बंधी हुई है, दाढ़ी तो सलामत है, हाथ में लाठी है, हुफ्फाज और उलमा औलिया और मशाइख के बीच में बैठकर पूरों की रौनक बनने वाला आज सुबहों को चला रहा था। सच कह रहा हूं मैं तो अपने आप को कुर्बान कर दिया हूं, देखनी कि मसला था जनाजे का छोड़कर आया हूं, क्योंकि वो किफाया था और आपके साथ बात करना इस वक्त तो फर्ज नहीं बन चुका है। खुद घर वाली की तबीयत भी नासाज है, फोन आया, दुआ फरमाए अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए, हमारी मेहनतों का साथ दो, इन उलमा की मेहनतों का साथ दो, जिम्मेदारों की मेहनतों का साथ दो, सब तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं कि हमारे से ज्यादा दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारे ऊपर हम मेहनत करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो अल्लाह के दरबार से मिलने वाला है, लेकिन दुश्मन तुम्हारे ईमान तुम्हारे अखलाक तुम्हारी शर्म तुम्हारी हया के पीछे पड़े हुए हैं। हाजियों का काफिला देखता है मुरीदीन का, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी देखते हैं, अब्दुल्लाह अंदलुसी को तड़प जाते हैं, बिलबिलाते हैं, जहां खड़े होकर नजर पड़ी वही अल्लाह के दरबार में सजदा करते हैं, अरे अल्लाह, अबू बकर का जुमला, अबू बकर शिबली का जुमला यहां तक सीरत में लिखा हुआ है, हजरत अबू बकर शिबली ने सर को जिद के साथ झुका दिया अल्लाह के दरबार में, कहने लगे अल्लाह जब तक मेरे शेख की हालत पलटेगी नहीं, ये तेरा अबू बकर सजदे से सर नहीं उठाएगा। मेरे शेख की जो गलती हुई है माफ कर दे, वो लड़की के पीछे नहीं गए हैं, अबू बकर शिबली समझ गए लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं, कोई गलती हुई है इनसे जो इस शक्ल में सजा मिली। अल्लाह का शुक्र अदा करो, औलिया थे जो गलती करते तो अल्लाह पकड़ लेते, हमें गलती कर रहे हैं अल्लाह नहीं पकड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अलियाज़ बिल्लाह कि अल्लाह कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, इसकी दुआ लगी है कि अल्लाह हमें छोड़ दे जा रहे, इसकी दुआ लगी है कि छोड़ते जा रहे हैं, माफी चाहो अल्लाह से, तौबा करो अल्लाह के दरबार में, ईमान की हिफाजत करो, आमाल की हिफाजत करो, अखलाक की हिफाजत करो, माहौल की हिफाजत करो, खुद की भी फिक्र करो, कम से कम अपने तरफ से 5 साथियों की फिक्र करो, बस अपने साथ, बाहर के 5 साथी, घर के जितने हैं उनकी फिक्र करो, मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे 5 दोस्तों के पीछे पड़ जाऊंगा, उन्हें गाली दिए तो गाली सुनूंगा, थूके तो पोछूंगा, लेकिन बार बार उनको नमाज की दावत दूंगा, वो किसी गुनाह में मुब्तला है तो उस गुनाह से जहां तक हो सके मैं रोकूंगा और उनका हाथ पकड़कर मौलाना तक लाकर पहुंचाऊंगा, इतना तो इरादा करके उठो, करेंगे इंशाल्लाह। कितने साथी चलो, 5 नहीं हो सकता कम से कम 4 साथियों, 4 नहीं हो सकता 3 साथियों की जिम्मेदारी,
तीन भी नहीं तो कम से कम दो किलो, दो भी नहीं तो कम से कम एक की दो करो, एक भी नहीं चलो खुद की फिक्र कर लो, इंशाल्लाह कामयाब। नहीं कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मैं वक्त हो गया दो घंटे से पहले मैं पूछता नहीं, अब तो आपको पूछ कर बात करना पड़ता हूँ, मुझे माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे। जितने उलमा बैठे हैं, मसाजिद के जिम्मेदार बैठे हुए हैं, तंजीमों तहरीकों के जिम्मेदार बैठे, हासन से भी इकमात आई है, सब सब हजरा सुन, अब इस वक्त किसी भी किस्म का पुख्ता काम हर किस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम तो उबाल पे पानी फेंकते हुए गुजर रहे हैं, दूध गर्म का गर्म है, बस अंदर की गाल उतरती है तो हम समझते हैं कि दूध ठंडा हो गया। कुछ भी न मस्जिदों की आबादी की फिक्र है हमको, न मदरसों की आबादी की फिक्र है, न माँ और बहनों के शर्म और हया की फिक्र है, न छोटे बच्चों के नाजरा कुरान और मकातिब की फिक्र है, न हलाल की फिक्र है, न गुनाहों से बचने कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो जरा वक्ती तौर पर हमको इधर से वो जुलूस निकाल लेते हैं तो समझ जाते हैं कि हमने कौम का हक अदा कर दिया। इस वक्त के जिम्मेदारों को मैं अपने आप को भी जमा करके कह रहा हूँ कि कल क़यामत में मेरे नमाज मेरे रोजे के बारे में मुझे उतना डर नहीं है जितना कि जो जिम्मेदारी मुझे मदरसों से मिली है वो जिम्मेदारी के हक के बारे में अल्लाह सवाल कर दे मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को, ये सोचता हूं तो मुझे परेशानी होती है खुदा की कसम। हर शहर हर गांव हर जिले में हम लोगों को एक तरतीब बनाना पड़ेगा, बार बार उठते बैठते रहना पड़ेगा, फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे छोड़ने की वजह से उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका गलत रास्ते पर मुब्तला है। कभी इधर से गुजरूं तो आ जाऊंगा बैठ कर, फिर एक मर्तबा मैं ऐसे ऐसे बात बताऊंगा जिसको मैंने नोट भी करके रखा है और मेरे जहन में महफूज भी है, वो बातें आप सुनेंगे तो शायद यकीन नहीं करेंगे हमारे 12 साल के बच्चे कैसे कामों में मुब्तला। बालिग होने के बाद वो काम नहीं होता था एक जमाने में जो काम बालिग होने से पहले हमारी नस्ल का नहीं। माफी चाहता हूं, मुझे खोल कर बयान करना ही पड़ता है इस वक्त की हालत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद सस्ते में चले गए, मेरे शेर की हालत है अल्लाह जब तक आप नहीं बदलेंगे अबू बकर मर जाएगा लेकिन सस्ते से सब नहीं उठाएगा। अल्लाह वालों का लाड़ तो अल्लाह के दरबार में बड़ा अजीब व गरीब होता है। खुद आका फरमाते हैं औलिया उल्लाह से अल्लाह इतनी मोहब्बत कर लेते हैं कि अगर वो कसम खा लेते हैं नामुमकिन काम को भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से मुमकिन बनाकर पूरा कर देते हैं। इधर अबू बकर की तौबा, अबू बकर की दुआ कबूल हो गई। हजरत अब्दुल्लाह उन्दुलूसी अचानक चमकते हैं, अपने आप को देखते हैं, अल्लाह 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 जर लगाते। खरीब में कोई छोटा सा तालाब था, जाकर जल्दी जल्दी डुबकी लगाते हैं, फिर अपने जिस्म को जहां तक हो सके ढांकते हैं और पाकीज़ा सके जगह पर जाकर खड़ कर सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह माफ कर दे, अब्दुल्लाह को माफ कर दे, अल्लाह अब्दुल्लाह को। कौन 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 औलिया का सरदार, माफ कर दे, तेरा शुक्र है परवरदिगार तूने अब्दुल्लाह को बचा लिया, अब्दुल्लाह को बचा लिया। ऐसा जबरदस्त जर्ब लगाने लगे, जर्ब यानी अल्लाह का जिक्र करने लगे, लिखा है किताब में पानी उछलने लगा। सुमर भाग गए, पूरा गांव जमा हो गया, ठंडी हवा चलने लगी, बारिश की हल्की बूंदे गिरने लगी। मुरीदीन की खुशी का क्या कहना, हजरत शेख फिर से आ गए, वही वजह वही जज्बा वही कैफियत सब वही।
सब हजरत के अतराफ बैठ गए। हजरत कितना कितना रो रहे हैं कि हजरत के और मुरीदीन के अतराफ अतराफ के किसी के आंखों में आंसू उठते नहीं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह करीब गए, क्योंकि खलीफा थे हजरत के, मजाज थे, मुरीद थे, खास थे, खादिम खास थे। हजरत करीब गए, हजरत से अर्ज करने लगे, हजरत बस कर दीजिए, रोना बस कर दीजिए आप, हजरत बस कर दीजिए, और अगर आगे आपके आंखों से आंसू जारी होंगे तो ये काफिला नहीं गांव से कई जगह से उठ जाए। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर शिबली ने पूछा, हजरत अल्लाह ने इतना सख्त इम्तिहान आपसे लिया क्यों? तब जाकर हजरत अब्दुल्लाह अंदलुसी ने जो राज बताया वो सुनो। हजरत ने फरमाया कि मियां अबू बकर, मैं लड़की पर फरेश्ता नहीं हुआ। जब हमारा काफिला उस दिन फजर के बाद निकला, रास्ते में एक मंदिर नजर आई, वहां पर कुछ लोग पत्थर की पूजा में मसरूफ थे। उसी आन मेरे दिल में फख्र पैदा हुआ, हमें कितने खुशनसीब ही देखो, एक खुदा की इबादत करते हैं, ये तो मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये कहना था मेरे दिल पर अल्लाह की तरफ से ये आवाज इल्का हुई कि अब्दुल्लाह तेरा ईमान तेरा कमाल नहीं, हमारा फजल है। तू आज फखर कर रहा है उन लोगों को, मालूम लोगों को देखकर हम चाहे तो तुझे भी नजाबी कर सकते हैं, हम चाहे तो तुझे भी इनमें शामिल कर सकते हैं। उसी वक्त मेरे सीने से कबूतर उड़ कर गया, वो कबूतर नहीं था, वो अल्लाह का कलाम था। पूरा खौफ आने वाली मैं भूल गया, मुझे सिर्फ कुरान की एक आयत इस हालत में याद थी और पूरे हदीस का ज़खीरा खत्म हो गया, एक हदीस याद। दूसरा दीन इख्तियार करता है उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं, उस वक्त का भी और गुजरा हुआ। और एक ही रिवायत याद थी, मन बदल दीन फलयक्तुल, जो दीन को बदल देता है उसे कत्ल कर दिया जाए। मैं काबिल कत्ल था, हिदायत की नहीं, हमारी दुआएं थी, अल्लाह ने मेरा दीन मुझे वापस कर दिया। वो गुरूरी का नतीजा था कि मैं दीन से महरूम हो गया, वो फखर का नतीजा था मैं दीन से महरूम हो गया। तकब्बुर न करो, ईमान ईमान बचाता बचाता ईमान बसता कहां? ईमान तकब्बुर ना करने से बसता है, ईमान आजिज़ी से बसता है, ईमान आमाले सालिया से बसता है। आज सब की फिक्र करते हैं, अगर नहीं करते तो ईमान की फिक्र नहीं करते। बस मैं बात को यही रोक देता हूं, मैं शुरू किया था आज से पहुंचते पहुंचते यहां तक आ गया, लेकिन मकसूद तो आपके सामने पेश कर दिया हूं। फखर मत करो, फखर करने से दौलत जाहो जलाल वजूद तो क्या, ईमान को भी नुकसान पहुंचता है। आजिज़ी अल्लाह राजी, अल्लाह हम तमाम के ईमान की हिफाजत कर, हर छोटे बड़े गुनाह से बचो, तौबा करके रहो, सुबह को 10-15 मरतबा इस्तग़फार 100 मरतबा पढ़ो, रात को सोते वक्त 10-15 मरतबा 100 मरतबा इस्तग़फार पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाएंगे, गुनाहों को भी माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, एक बात जिम्मेदारों से, वो नमाज क्या है इसी मस्जिद का है क्यों? तो इस मस्जिद का तामीरी काम काफ़ी बाकी है, लोगों ने भी बताया, मैं भी अंदर दाखिल होते हुए देखा। एक बात याद रखिए, अल्लाह के घर की तामीर अगर शुरू करते हैं, उलमा ने लिखा है कि उसे जहाँ तक हो सके गांव वाले मिलकर सादी सीधी ही मस्जिद लेकिन मुकम्मल कर देना,
मस्जिद के काम को अधूरा नहीं छोड़ना, वरना पूरा मोहल्ला परेशानी में मुबतला हो जाता है। ये बड़े बड़े औलिया का तजुर्बा है। आप सादी सी ही मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद को मुकम्मल तरीके से काम को तकमील तक पहुंचाओ।